हेलो रीडर्स, वेलकम टू ट्रेंडलाइन स्टॉक्स। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने करे हैं और सभी कमेंट्स का मैंने कोशिश करी है कि रिप्लाई देने की, इनफैक्ट दिया भी है। तो आई थिंक जो कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि सर कमेंट के ऊपर आपने रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आजकल, तो मैंने वो आपकी शिकायत दूर कर दी है। हर जेन्युइन कमेंट का रिप्लाई मैंने किया है पिछले काफी दिनों से, और जो बेसिकली आपकी क्वेरीज हैं कोशिश कर रहा हूं उनको भी सॉर्ट आउट करने की। सिर्फ यही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, वीडियो उसको देख के सिर्फ स्किप मत कर दिया कीजिए। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब किया कीजिए, और अगर वीडियो आपको लगती है कि ये शेयर करने लायक है और भी लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी कर दिया कीजिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपसे देखिए डिस्कस करने जा रहा हूं, आज के मार्केट के अंदर चार ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाई वोलेटिलिटी के बीच भी धमाल मचाए रखा उन्होंने। और यकीन मानिए, अगर उन चार स्टॉक्स के अंदर आप अच्छे लेवल्स देख के पोजिशन बनाते हैं और आने वाले एक साल यानी 12 महीने का टाइम देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये चार स्टॉक्स ला के दे सकते हैं। ये चार जो स्टॉक्स हैं, देखिए, ये अपने आप में दिग्गज कंपनी है, लेजेंडरी कंपनीज है इंडिया की, और हाल ही में जो इनके अंदर मोमेंट आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण की वजह से आए हैं, जो एक लॉन्ग टर्म रीजन है। तो उस लॉन्ग टर्म रीजन को समझने की जरूरत है, रिटर्न्स ये कंपनी ऑटोमेटिकली खुद पे खुद ला के दे देंगी, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बुक्स है उसके बेसिस पर ही अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको चीजें निकल के आ जाएंगी कि आने वाले चार क्वार्टर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि आने वाले 12 महीने के अंदर इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यूज है उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो आज देखिए, निफ्टी का चार्ट है ये आपके सामने खुला हुआ। आज जो ओपनिंग हुई 23 फरवरी को, कितनी शानदार ओपनिंग हुई थी अगर आप प्रीवियस यानी कि 22 तारीख से कंपेयर करेंगे, लेकिन उसके बाद में वोलेटिलिटी बहुत हाई रही। निफ्टी ने हाई भी बनाया, मैं आपको बता रहा हूं 14,850 रुपए के ऊपर, लेकिन वो सारी की सारी फिजल आउट हो गई और नीचे की तरफ निफ्टी ने हमें जो क्लोजिंग दी है वो 14,717 के लेवल्स पर दी है। और मैं समझता हूं कि देखिए, अभी निफ्टी ने एक रेंज डिफाइन कर ली है, ऊपर की तरफ 14,850 की एक रेंज रहने वाली है और नीचे की तरफ जो रेंज है 14,650 की रेंज रहेगी, और निफ्टी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस रेंज के अंदर ही आपको कामकाज करता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए, अब मैं देखिए सबसे पहले शुरू कर रहा हूं आज के उस चार स्टॉक्स में से पहला स्टॉक जो है बेसिकली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का। आपने शायद नाम भी सुना होगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक भारत की मिनी रत्न कंपनी है, यानी कि सरकारी मिनी रत्न कंपनी है जो वेसल्स बनाती है, यानी कि इंडियन नेवी के लिए जहाज बनाती है, और इस कंपनी को, इस सरकारी कंपनी को इंडियन नेवी की तरफ से 10,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। तो देखिए, इस ऑर्डर में क्या लिखा है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट एट द मीटिंग हेल्ड टुडे एट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL हैज बीन डिक्लेयर्ड एज L1। L1 का मतलब होता है लोएस्ट वन, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे इनकी जो बिडिंग थी वो सबसे ज्यादा नीचे थी, यानी कि उसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं काम मिलने के जो L1 होता है। इन द टेंडर फ्लोटेड बाय द इंडियन नेवी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 नंबर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स एंड एस्टिमेटेड टोटल ऑर्डर वैल्यू इज अराउंड 10,000 करोड़। 6 नए वेसल्स यहां पर बना के इंडियन नेवी को दिए जाएंगे। अगले पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, द फाइनल अनाउंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ नेसेसरी फॉर्मेलिटीज इन दिस रिगार्ड विच विल बी अपडेटेड इन ड्यू कोर्स। यानी कि अब एक फॉर्मेलिटी बची है, बाकी ऑर्डर इनको मिल चुका है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, आज इस न्यूज का क्या असर हुआ है आपको यहां पर देखने को मिलेगा, लगभग 10% की तेजी के साथ 382.50 रुपए का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, आप अगर डे हाई देखेंगे तो 394 रुपीज का डे हाई लगाया है आज इसने इस न्यूज के बेसिस पर, और 396 रुपीज का इसका 52 वीक हाई रहा है। केवल 2 रुपए ये रह गया है नए 52 वीक हाई लगाने से। 11 जनवरी 2021 को इसने नया 52 वीक हाई लगाया था, 209.10 रुपए का 52 वीक लो है जो 24 मार्च का था। तो क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 40 लाख शेयर्स, उसके बाद में डिलीवरी उठाई गई है मात्र 5,70,000 से कुछ ज्यादा शेयरों में, एंड यहां पर जो डिलीवरी है वो पूरी 15% भी नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी आपको निफ्टी पे दिखाया कि देखिए, ऊपर के लेवल से काफी ज्यादा नीचे आज क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, इसी की वजह से यहां पर ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली देखी गई है। तो नजर बनाए रखिए, इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कीजिए और ट्रैक करते रहिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और इन चारों स्टॉक्स में से देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इन चारों स्टॉक्स में से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि
कि सर इसका क्या एंट्री लेवल हो सकता है, क्या कुछ टारगेट हो सकता है, तो मैं डेफिनेटली सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगा इन चारों स्टॉक्स के ऊपर, सो दैट कि आपको एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स मिलते हुए नजर आए। चलिए अपने अगले स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, और जो है देखिए भारत फोर्ज का, यानी कि बाबा कल्याणी ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है यहां पर भारत फोर्ज, जिसको यहां पर ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। कहां से वो मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए सारी डिटेल्स। भारत फोर्ज शेयर्स अप 2% ऑन बैगिंग रुपीज 178 करोड़ ऑफ ऑर्डर फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर सप्लाई ऑफ कल्याणी M4 व्हीकल्स। और ग्लोबल रिसर्च फर्म UBS जो है उन्होंने इसको बाय रेटिंग के साथ में रिकमेंड किया है, टारगेट दिया है 720 रुपए पर शेयर का। तो कल्याणी M4 व्हीकल्स जो है उसका ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लगभग 180 करोड़ का। और ये जो न्यूज जब लिखी जा रही थी, देखिए 11:15 बजे का टाइम है यहाँ पर मनी कंट्रोल पर जो इन्होंने दे रखा है, लेकिन ये स्टॉक एक्चुअली में काफी ऊपर गया है। इसके बारे में मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूं, तो फंडामेंटल जो है कंपनी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और ये स्टॉक भी आपको लंबे टाइम पे अगर आप रखते हैं, क्योंकि देखिए ये वो कंपनी है जो US के अंदर ट्रक्स के कुछ कॉम्पोनेंट्स देती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि इनका जो बिजनेस ड्राइव होता है US से, वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है इनके रेवेन्यूज के अंदर। तो ऐसी कंपनी को मैंने पिछली बार भी देखिए अप्रोक्सीमेटली 520-525 के ऊपर रिकमेंड किया था आपको, काफी महीने हो गए इस पे मेरे को वीडियो बनाए हुए, वहां पर भी मैंने आपको ये चीज बोली थी कि अगर लंबे टाइम के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो गजब के आपको जो है आने वाले टाइम में रिटर्न्स देती हुई दिखाई दे जाएगी। एंड अब जब एक इनिशिएटिव हो गया है यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हमें ज्यादा से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स डिफेंस के अंदर इंडिया के अंदर ही तैयार करने, तो ऐसी पुरानी कंपनीज के ऊपर भरोसा जताना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। तो आप इनकी हिस्ट्री पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कारगिल युद्ध के दौरान भी इन्होंने भारत के सेना की कितनी मदद करी थी, और क्या कुछ कॉम्पोनेंट्स ये बनाते हैं और क्या कुछ वर्किंग है। ये कंपनी बहुत शानदार रिटर्न दे सकती है, 607 रुपए पे आज का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 3% से ऊपर, लेकिन इसका भी अगर आप डे हाई देखेंगे तो 620 रुपए का है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 588 रुपीज से कितना ऊपर ये आज गया है। 676 रुपए 90 पैसे का इसका 52 वीक लो है जो 13 जनवरी 2021 को इसने लगाया था, और 207 रुपए के आसपास का 52 वीक लो है जो 7 अप्रैल 2020 को इसने लगाया था। सिक्योरिटी बेस्ड डिलीवरी पोजिशन आप देखिए 53 लाख से ज्यादा शेयरों के अंदर यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड है, 6 लाख से ज्यादा शेयरों के अंदर यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है, अप्रोक्सीमेटली 11.5% की डिलीवरी यहाँ से आपको आज उठती हुई दिखाई देगी। इसके अंदर भी डिलीवरी परसेंटेज कम हो गई है, क्योंकि वही सेम रीजन है जो मैंने प्रीवियस अभी आपको कोचीन शिपयार्ड की केस में बताया। तो इसके अंदर भी आप लेवल्स ढूंढिए, अच्छे लेवल्स, टेक्निकली कहां इसका सपोर्ट है और कहां मेजर सपोर्ट है, उन लेवल्स की तरफ जब भी ये बढ़े नीचे की तरफ, तब आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस बनानी चाहिए। चलिए तो अपने तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि है DEML, एक और PSU सेक्टर का स्टॉक जो वाकई में बहुत ही जबरदस्त है। DEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हैवी इक्विपमेंट्स ये कंपनी बनाती है, और डिफेंस के अंदर, रेलवेज के अंदर, इसके अलावा जनरल कंस्ट्रक्शन के जो इक्विपमेंट्स है वो ये कंपनी बनाती है। बहुत ही जबरदस्त इनका प्लेटफॉर्म है, ऑलमोस्ट इंडिया की 70% अर्थ मूवर्स इक्विपमेंट जो है यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सदर्न पार्ट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, हेड ऑफिस है इनका बेसिकली कर्नाटका में। तो ये कंपनी भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इनके पास में भी काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। सेकेंडली अभी की अगर आप बात देखेंगे तो चार्ट के ऊपर मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूंगा, जो BEML ने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फॉर्मेशन करी है, और उसी चार्ट के हिसाब से देखिए यहाँ पर एक नई ट्रैजेक्टरी डिफाइन होते हुए दिखाई दे रही है। टेक्निकली आप देखेंगे वन डे की सेटिंग में जो चार्ट्स मैंने आपके सामने लगाए हैं BEML के, इसके अंदर रिसेंट में इसने जनवरी में अपना एक नया हाई लगाया था 1050 रुपए के लेवल्स के आसपास, और ये देखेंगे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो ये प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच गया है, अपने उन लेवल्स पर जो बेसिकली कोविड से पहले इसके हुआ करते थे 1050, 1100, 1150 रुपए तक के जो लेवल्स थे वहां पर ये स्टॉक पहुंच गया है। उसके बाद से सडनली इसने पूरे महीने बहुत ही ज्यादा गिरावट दिखाई, और ये स्टॉक इन हाई लेवल से गिरकर पहुंचा, आपको ये मैं लेवल्स दिखा रहा हूं, लगभग 890 रुपए के, जो कि है 28 जनवरी 2021 के। तो पूरे महीने के दौरान यहां पर गिरावट देखने को मिली, कोई बड़ी न्यूज नहीं थी, कुछ ऐसा यहाँ पर नहीं चीज दिखाई दी, लेकिन उसके बाद में फिर से इसने एक तेजी पकड़ी और ये अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर पहुंचा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, और तब से लेके अभी तक इसने देखिए
20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मानते हुए यहाँ पर ट्रेड जारी रखी है। अब इसके अंदर एक जो बड़ी न्यूज आई है वो यह है कि इनका जो प्रॉफिट है वो 550% बढ़ गया है। आप सोचिए इतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ना किसी कंपनी का वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। इनकी सेल्स हुई है देखिए दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 728 करोड़ की, जो पिछले क्वार्टर में दिसंबर 2019 में 692 करोड़ की थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे 5.88% का है, जो पिछले एक साल पहले की बात करेंगे अगर दिसंबर 2019 की तो वहां पर 3.74% ही था। तो इतना बड़ा जंप आना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यही वो कारण है जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे कि अप्रोक्सीमेटली 550% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर, जो कि लगभग 28 करोड़ पहुंच गया है अगेंस्ट 2019 के जो प्रॉफिट थे वो थे मात्र 4.25 करोड़ के। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएसयू सेक्टर की कंपनीज इतने अच्छे प्रॉफिट्स कमा के दे रही है तो इसका मतलब ये कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो तो कहां पहुंचेगा। तो ये वो टाइम है जब आपको पीएसयू सेक्टर की कंपनीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पूरी तरीके से रुख बदल चुका है इंडिया का, और जिस तरीके से एक डायलॉग चल रहा है ना कि पैसा लगा दो इंडिया पे, ये वाकई में राइट टाइम है। केवल आपको लेवल्स फाइंड आउट करने की, कौन से अच्छे लेवल्स हैं जिन स्तरों पे आपको पैसे लगाने चाहिए। देखिए चारों कंपनी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं इसमें लेवल्स नहीं दे रहा हूं, तो किसी भी लेवल्स के ऊपर पैसे नहीं लगाने, बहुत अच्छी तरह देख के समझ के आपको पूरी रिसर्च करके इनके अंदर पैसे लगाने चाहिए। तो इसके अंदर भी दिखाता हूं, देखिए आज कैसा बिजनेस हुआ है बीईएल लिमिटेड। तो यहां पर लगभग 1.5% के आसपास की तेजी आपको दिखाई देगी, 972 रुपए का आज का इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि डे हाई 982 रुपए का है और 24 दिसंबर 2020 का इसका है 52 वीक हाई जो 1053 रुपए का है। 370 रुपए के आसपास का 24 मार्च का इसका 52 वीक लो है। तो उस लो से ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 3 गुना से ज्यादा के रिटर्न अभी आपको दे चुका है जो इसने हाई लगाया था 52 वीक है, अगर उसको कंपेयर करेंगे। और इसके अंदर भी देखिए लगभग 11.5% की डिलीवरी आज आती हुई दिखाई दी है। तो इन स्टॉक्स में काफी अच्छा रुझान बना रहा पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान आज 23 फरवरी 2021 को। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ लेके चलता हूं जो कि है हमारा आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को, जो काफी ज्यादा चर्चा में है पिछले 2 दिन से और इसके स्टॉक ने भी बहुत जबरदस्त राइज किया है। हिंडाल्को देखिए जैसे नाम से आपको पता चल रहा है एल्यूमिनियम कंपनी है, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करती है एंड मेटल सेक्टर किस तरीके से इस वक्त जबरदस्त तेजी दिखाए हुए है ये किसी से छुपी नहीं है। तो मैं ये आपको चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर देखिए कि एल्यूमिनियम सेक्टर के अंदर इतनी पुरानी कंपनी और एक ब्रांड के साथ अगर आप रहते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए मेटल सेक्टर में से ये स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आने वाले टाइम में। हालांकि अगर इनकी आप ग्रोथ देखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली काफी कम दिखाई देगी बाकी सारी मेटल कंपनी से, लेकिन अभी जो एक नई ट्रैजेक्टरी डिफाइन हो रही है और काफी सारे चाइनीज प्रोडक्ट पर जो बेसिकली इंपोर्ट होते थे मेटल के सेक्टर में उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, वहां से भी काफी अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा पूरे सेक्टर को। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिटर्न्स आपको लाके दे सकता है। लगातार इस स्टॉक ने जनवरी लास्ट से अगर आप देखेंगे तो एक तरफा रैली दिखा रखी है और ये 225 रुपए के लेवल से पहुंच चुका है यहाँ पर 334 रुपए पर। तो आप देखिए ये जो रैली इसके अंदर आई है ये बहुत ही जबरदस्त है और ये जो इसने आज भी एक नया टॉप बनाया 334 रुपए 20 पैसे की क्लोजिंग है इसकी, वो अपने आप में एक बहुत ही शानदार आगे की ग्रोथ यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहा है। आरएसआई के हिसाब से कंपेयर करें तो देखिए 82 पॉइंट्स के ऊपर आरएसआई है, यानी कि बहुत अनस्टेबल सिचुएशन में ये भी है और जो मोमेंटम ये बना हुआ है पिछले आप कह दीजिए 20-22 दिन से ये कभी भी लूज हो सकता है, यानी कि यहां से कभी भी गिरावट आ सकती है। लेकिन आप अगर टेक्निकली देखेंगे तो इस स्टॉक का 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, क्योंकि हम लोग वन डे के चार्ट देख रहे हैं तो 50 डे में जो है वो काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, एक्चुअली में सपोर्ट लाइन नहीं सपोर्ट एरिया है, डायनेमिक सपोर्ट है। तो इसके आसपास अगर ये आपको मिलता है कभी भी तो डेफिनेटली इसको भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे देखिए ये चीज बता रहा हूं कि कंपनीज बहुत अच्छी है लेकिन इनके लेवल्स एंट्री वाले जो है वो अगर सही होंगे तो ही आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे लंबे टाइम में। इसका भी बिजनेस एक बार देख लेते हैं कैसा रहा है। देखिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5.73% की तेजी, 334 रुपए 20 पैसे का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और इसका 52 वीक हाई आज नया लगा है 338 रुपए 15 पैसे के ऊपर। और ये स्टॉक है जो आज टॉप 5 गेनर्स में से रहा है निफ्टी 50 के। तो ये देखिए इसका 84 रुपीज 90 पैसे का 52 वीक लो, तो लगभग 85 रुपए से 338 रुपए तक पहुंच गया है ये स्टॉक,
बहुत ही शानदार तेजी पिछले 11 महीने के अंदर इसने दिखाई है। इसकी भी सिक्योरिटी वाइज डेली पोजीशन देखेंगे तो यहां पर लगभग 16% 17% की आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन यही चीज है कि देखिए आपको समझना है कि डिलीवरी परसेंटेज भले ही कम रही हो, यानी कि लोगों ने आज जरूर इसके इन स्टॉक्स के अंदर बिकवाली करी है, लेकिन आपको इन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखना चाहिए। बहुत अच्छे ये स्टॉक्स हैं, खासकर लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपके पास में नजरिया है, पेशेंस है, तो ये स्टॉक्स आपके लिए हीरा साबित हो सकते हैं पोर्टफोलियो में। तो इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही। इन चारों स्टॉक्स को आप स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। अगर इनके एंट्री और एग्जिट लेवल्स पूछने आने वाले एक साल डेढ़ साल के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं स्पेशली सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा इन स्टॉक्स के ऊपर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलूंगा फिर आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।